हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, चैप्टर साउंड से। ये क्वेश्चन है, गिव द टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के दो एप्लीकेशन आपसे पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में, जो कि क्लास 9th का ये क्वेश्चन है चैप्टर साउंड से। तो इस क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाए कि क्या दो एप्लीकेशन होंगे, ठीक है, चैप्टर साउंड के, तो एक तो होता है ये मेगाफोन जिससे साउंड निकलती है ना, तो इसका जो आगे की जो शेप है ये ऐसी इस तरह की बनाई गई है स्फेरिकल, जिससे कि साउंड को ये डायरेक्ट कर सके सामने की दिशा में, तो साउंड जो है आगे की ओर जाए, क्योंकि जब इसकी सरफेस से साउंड जो है स्ट्राइक करेगी तो वो किधर जाएगी, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई सेंटर से, तो वो हमेशा आगे की ओर ही जाएगी, ठीक है। और एक दूसरा एप्लीकेशन है ये जो होता है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की जो ये ट्यूब होती है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। क्या होता है कि इसके अंदर जो है साउंड स्ट्राइक करके इस तरह से ये आगे बढ़ती है, ठीक है, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एप्लीकेशन है ये, तो आपके दो आंसर हो जाएंगे। चाहे तो आप इनका सिर्फ जो है नेम लिख सकते हैं, या इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। तो मेगाफोन किस पे फॉलो कर रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को फॉलो कर रहा है। स्टेथोस्कोप भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को फॉलो करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें होता है, ठीक है, जिससे कि डॉक्टर जो है हार्ट बीट वगैरह सुनते हैं। स्टेथोस्कोप आप सभी ने देखा होगा, मेगाफोन ये लाउड स्पीकर्स के लिए जो आगे का वो हेड होता है उसको मेगाफोन कहते हैं, ठीक है। बहुत इजीली ये आंसर कर पाओगे, देखो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ये आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। या आपको सिर्फ नाम बताने कि दो एप्लीकेशन क्या है, एक मेगाफोन हो गया, एक स्टेथोस्कोप हो गया। तो स्टेथोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और इसमें सिंगल रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्लेक्ट हुआ उसके बाद साउंड आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया तो थम्सअप कर दीजिए, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं ये को वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई और भी आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।